दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। इस हफ्ते बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। कई बार हमने पहले भी देखा है कि जब अपने देश की जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, जब उसके संचालक, उसको चलाने वाले, जब राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे बड़ी चुनौतियों में घिरते हैं और उनको लगता है कि इससे निजात पाने का, इससे निकलने का रास्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ी बुरी तरह जब फंस जाते हैं, तब वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ खेला करते हैं। खेला का मतलब विद इन द कोर्ट। बंगाल के चुनाव में ये खेला शब्द बहुत प्रचलित हुआ था। कोई ना कोई ऐसा मसला उठाते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान असल जो इश्यू है उस वक्त का, उससे डाइवर्ट हो जाए। हमने चुनाव के दौरान भी देखा है, 2019 के चुनाव से पहले आप देख लीजिए कितनी सारी बेहाली थी, बहुत सारी, लेकिन इश्यूज़ बदल जाते हैं। वैसे ही इस बार अगर देखा जाए तो पेगासस से बड़ा इशू कोई था नहीं। सरकार बेहद परेशान थी, किसान आंदोलन दूसरी तरफ, लेकिन सरकार ने ऐन मौके पर डाइवर्जन के लिए, ऐसा लगता है कि चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए लोगों का, उसने दैनिक भास्कर नाम के देश के बड़े हिंदी अखबार पर, जिससे पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रही थी कोरोना दौर में उसकी रिपोर्टिंग को लेकर, खासकर सरकारी लापरवाही को लेकर, वैक्सीनेशन के मसलों को लेकर, और बाद में पेगासस को, जासूसी कांड को लेकर भी उसकी रिपोर्टिंग के से बहुत नाराज सरकार थी। तो उस पर छापेमारी का दौर चल पड़ा, उसके सारे ठिकानों पर छापे डाले गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक न्यूज़ चैनल है क्षेत्रीय स्तर पर, भारत समाचार, उस पर छापेमारी हो गई। हम सब जानते हैं दोस्तों कि मीडिया पर छापेमारी और मीडिया को घेरे में लेने का ये सिलसिला काफ़ी समय से चला रहा है। न्यूज़ क्लिक को भी परेशान किया गया। हमने देखा कि द वायर के दफ्तर में भी अभी हाल में पुलिस पहुंच गई। अब वो क्यों पहुंची? डराने के लिए या कुछ बताने के लिए, ये अलग कहानी है। हमने इस सप्ताह ये भी देखा कि कैसे मीनाक्षी लेखी जी, वैसे तो विदेश राज्य मंत्री हैं, लेकिन घरेलू मामलों पर उन्होंने किसानों को मवाली तक बता दिया, और बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है ऊपर से कहा गया हो कि भाई इतना नहीं, ब्रीफ से ऊपर थोड़ा चले गए आप, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा अपने को विड्रॉ किया। इसी तरह एक दिन उन्होंने लेफ्टिस्टों को टेररिस्ट की सूची में रख दिया, उन्हीं के साथ जोड़ दिया, और कहा कि लेफ्टिस्टों, टेररिस्टों वगैरह को अगर हम उनसे हमें निपटना है, और निपटने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम आपको क्यों बताएं, लोगों को क्यों बताएं, ये बात उन्होंने कही। तो लेफ्टिस्टों को टेररिस्ट बता दिया, ये भी एक अनोखी घटना है। तो ये सब बहुत सारी कहानियाँ इस सप्ताह हैं दोस्तों, लेकिन हम पेगासस पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं नए, लेकिन हम इन कहानियों को बस आपके सामने, हमने एक बिंदुवार आपके सामने हम इन कहानियों को हमने रखा, लेकिन इस सप्ताह की हमारी सबसे बड़ी कहानी है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने की बात रह गई है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अपनी पूरी वैचारिकता, जो उसकी आइडियोलॉजिकल एक पोजीशनिंग थी, जो उसकी विचारधारा थी अब तक, उसको बिल्कुल उसने उलट पुलट दिया है, और उलट पुलट कर अब वो जो काम कर रही है, वो कम से कम बसपा, जो कांशीराम जिस पार्टी को जिन्होंने स्थापित किया था, कम से कम उसका तो एजेंडा ही नहीं हो सकता है। तो हम उसी पर आज बात करेंगे, क्योंकि देश की राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि जो इस देश का दलित बहुजन अपने को कहने वाला समाज है, बहुत बड़ी तादाद है उसकी, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा मामला है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तो है ही। तो तीन कारणों से ये जो BSP का नया रूप है, नया चेहरा है, नया रंग है, वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है, जिस पर ज़्यादातर पॉलिटिकल जो
पॉलिटिकल जो कवरेज करने वाले लोग हैं उनका ध्यान नहीं गया। हालांकि रिपोर्ट आई है कि अयोध्या में कैसे सम्मेलन किया गया, क्या सम्मेलन किया गया, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या ये बसपा ने स्वयं तय किया कि वो ब्राह्मण समुदाय को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने नया नाम दिया है, पहले जैसे ब्राह्मण सम्मेलन वो कहती थी लेकिन अब उसे कहा है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन वो कर रही हैं। और ये जो पार्टी है उन्होंने पहला जो प्रबुद्ध वर्ग यानी ब्राह्मण सम्मेलन नाम उसका रख दिया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, उन्होंने अयोध्या में किया। और अयोध्या में जब किया उनके जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी अगुवाई में, तो अब उन्होंने वहाँ पर जो नारे लगाए, एक तो पहला नारा लगा बीएसपी के प्लेटफॉर्म पर, इतिहास में पहली बार नारा लगा जय श्री राम, और दूसरा नारा लगा जय परशुराम। तो जय परशुराम और जय श्री राम के नारे के बीच में कांशी राम जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो शंख बजा उस पर, घड़ियाल बजे, और तमाम तरह के जो मंदिरों में जिस तरह से जो बजते हैं बहुत सारे वाद्य, उस तरह के वाद्यों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने इस सम्मेलन को आगे बढ़ाया। तो वहाँ पर जो जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी मिश्र जी हैं उन्होंने जो ऐलान किया वो ऐलान किया, और इसके पहले बसपा सुप्रीमो स्वयं ऐलान कर चुकी हैं मायावती जी कि पूरे प्रदेश में अगले से चुनाव के पहले तक काफ़ी बड़े पैमाने पर वो सम्मेलन करेंगे इस तरह का। अब उसको ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करके प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहेंगे, और ये जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत अयोध्या में की गई, और मंदिर नहीं बनने पर एतराज़ किया गया, कहा गया कि सब कुछ क्लियर हो गया तो मंदिर खड़ा क्यों नहीं किया गया। अब हमारा दोस्तों कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने आखिर क्या एजेंडा बदल दिया है, क्या उसने पार्टी का प्रोग्राम बदल दिया है, क्या उसने अपना नाम भी बदल देगी अब कुछ दिनों के बाद, क्या क्या इसका मतलब है? दरअसल दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है जो सीधे दिखाई दे रहा है, जो चीज नहीं दिखाई दे रही है सच्चाई शायद उधर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मणों को, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया, उनको अपनी पार्टी के दायरे में लाने का ये अभियान उतना बड़ा नहीं है जितना ये अभियान 13% जो ब्राह्मण कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि जाति जनगणना अपने देश में नहीं होती है, सिर्फ एससी एसटी की केवल काउंटिंग होती है, अभी जनगणना को लेकर भी विवाद चल रहा है कि ओबीसी की जनगणना अलग से क्यों नहीं कराई जाती, जब उनके लिए आरक्षण मौजूद है तो क्यों नहीं जनगणना कराई जाती उनकी। तो अब कहा जा रहा है कि 13% ब्राह्मण, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये ब्राह्मण को अपने पार्टी के साथ जोड़ना है या किसी और पार्टी में जाने से रोकना है। दोस्तों हमारी जो जानकारी है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनसे भी जो हमारी बातचीत हुई है उसमें जो हमें जानकारी मिली है कि बहुजन समाज पार्टी को कहीं और से ये एजेंडा दिया गया है कि आप इस बात की भरपूर कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से अगर ब्राह्मणों में जो नाराज़गी पैदा हुई है वो समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट न हो जाए, वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट न हो जाए, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ हरगिज नहीं जानी चाहिए। इसलिए हर चंद कोशिश करके बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि वो नाराज ब्राह्मणों के एक हिस्से, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तो ब्राह्मणों का निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ जाएगा जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है काफ़ी वर्षों से, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो रिप्लेस हुआ, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के बीजेपी की तरफ आ गया। तो अब उनको जो एजेंडा सौंपा गया है वो ये कि जो नाराज ब्राह्मण समाज है उसको आप अपनी तरफ लाइए जिससे कि सपा और कांग्रेस की तरफ न जाए। अजीब कहानी है ये वही कहानी है कि शादी किसी और की और बाजा कोई और बजा रहा है। तो कहा कहीं और से जा रहा है, एजेंडा किसी और का है लेकिन झाल मजूरा कोई और बजा रहा है, बैंड बाजा कोई और बजा रहा है। वो कौन है जो एजेंडा सेट कर रहा है, वो कौन है जो बहुजन समाज पार्टी को ये बता रहा है कि उसे क्या करना है? दोस्तों ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है,
हम नाम तो अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज की तारीख में ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा समय से बहुजन समाज पार्टी जो भी कर रही है वो का रिमोट, उसका नियंत्रण कहीं और है। आपको याद होगा जुलाई, संभवतः जुलाई अगस्त महीना था 2017 का, राज्यसभा से अचानक मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था, और किस बात पर कि दलित एट्रोसिटीज के खिलाफ बोलते हुए उनको उन्होंने कहा कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है इसलिए हम इस्तीफा दे देते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसकी पूरी पार्टी सदन में मौजूद रहे, लेकिन एक आदमी इस्तीफा दे दे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का फायदा किसको मिला? जिसको इस्तीफा उनके देने का फायदा मिला, जिन राजनीतिक शक्तियों को, वही राजनीतिक शक्तियां आज बता रही हैं कि बीएसपी को क्या करना है, बीएसपी को क्या नहीं करना है। बीएसपी दरअसल किसी और के लिए काम करती नजर आ रही है, उसका वजूद लगभग समाप्त हो गया है। सही मामले में उसका राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक पहलकदमी ये पार्टी खो चुकी है, यह किसी और के लिए काम कर रही है, और ये स्वयं ये बातें बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता आप कहने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी प्रदर्शन है एक जमाने में जो होता था वो कहाँ दिखाई देता है आपको? अब आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी ने 2012 में 80 सीटें उसने हासिल की थी, अचानक 2017 के चुनाव में उसको महज 19 सीटें मिली, 19। वो क्या खेल था? जिस पार्टी को 2012 के चुनाव में सिर्फ 47 सीट मिली थी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, उस पार्टी ने 312 सीटें पाई। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? तो ये चमत्कार अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे लंबी कहानी है। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है, अगर आप उसका लोकसभा का भी परफॉर्मेंस देखिए, तो ठीक है कि इस बार 10 सीटें मिली और बीएस और सपा को केवल 5 सीट मिली, दोनों के बीच अलायंस था, पिछली बार नहीं था विधानसभा में, कांग्रेस के साथ अलायंस था सपा का, उसको 47 सीट मिली थी। लेकिन अब आप सोचिए कि 47 सीट जो सपा पाई विधानसभा में, उसे 5 सीट पर केवल संतोष करना पड़ा था लोकसभा में, और सपा और बसपा का गठबंधन था। आखिर वो गठबंधन कहां से बना, क्यों बना और कैसे अचानक टूट गया, ये मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को, इस इंडियन पॉलिटिक्स की इस मिस्ट्री पर अब तक कोई रहस्य उद्घाटन ठोस ढंग से नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव फिर उसी तरह की मिस्ट्री बनता जा रहा है। और दोस्तों, बहुत संभव है कि केवल बहुजन समाज पार्टी ही उस मिस्ट्री का एक पार्ट न हो, और भी पॉलिटिकल पार्टी जो उस मिस्ट्री का पार्ट बन जाए, उस रहस्य का हिस्सा बन जाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव 2022, अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, क्योंकि जनता उससे नाराज है, अगर जनता का मिजाज देखा जाए तो ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है, बेहद डिफिकल्ट है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में ऐसा लगता है कि वो किसी और का खेल खेल रही है। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी शायद इकलौती पार्टी है जो जबरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती नजर आ रही है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि उसके पास समाज नहीं है, उसके पास समुदाय नहीं है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, उसके पास जन समर्थन नहीं है। नाराजगी है लोगों की बहुत पहले से कांग्रेस से, खासकर जो ओबीसी का बड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसमें गहरी नाराजगी है। और यही कारण है कि सही एजेंडे के बावजूद कांग्रेस का जो आधार है वो अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुत सीमित है। और समाजवादी पार्टी, वो एक अलग कहानी है, हम उस पर भी कभी जरूर बात करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अभी तक ये चुनाव जुझारू ढंग से लड़ती नजर नहीं आ रही है, जिस तरह बंगाल में ममता ने लड़ा था, तमिलनाडु में स्टालिन ने लड़ा था, या केरल में विजयन ने लड़ा था। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश की चुनाव की है। दोस्तों, आज मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को लगातार फॉलो करेंगे।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में बनती बिगड़ती राजनीतिक तस्वीरें, जो उलटते पुलटते समीकरण, हम उसकी सारी कहानी आपके सामने समय समय पर पेश करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.